हाय, दिस इज़ तेजबीर सिंह। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कोई भी आपके कंप्यूटर में, डेस्कटॉप में, लैपटॉप में, आप में कोई भी आपकी वीडियो पड़ी है जो कि 3D वीडियो है, मूवी है, उसको आप प्ले करना चाहते हो, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप उसको VLC प्लेयर में ही चलाइए। हालांकि और भी अच्छे प्लेयर हैं, KM प्लेयर काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, पर मैं फिर भी यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको 3D वीडियो चलानी है तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप VLC प्लेयर के ज़रिए कैसे चला सकते हैं 3D मूवी। तो उसके लिए आपके डेस्कटॉप में या कंप्यूटर में और लैपटॉप में कह सकते हो कि VLC प्लेयर होना चाहिए। और उसके लिए अगर आपके डेस्कटॉप में नहीं भी है तो आपको मैं बता दूं, आप कहीं पे भी जाइए, गूगल में जाइए और सर्च कीजिए वहाँ पे VLC प्लेयर फ्री डाउनलोड, और उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप उसे इंस्टॉल कीजिए अपने डेस्कटॉप में और लैपटॉप में, जो भी आपके पास, उस पर इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद आप देखोगे उसका भी शॉर्टकट जो है वो डेस्कटॉप के ऊपर बन जाएगा इंस्टॉल करने के बाद VLC प्लेयर। हालांकि VLC प्लेयर के बारे में ये भी बताना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा प्लेयर है, मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि हर टाइप की वीडियो जो है ये चला लेता है। हालांकि अगर आपके पास, आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दूंगा मैं थोड़ी सी कि VLC प्लेयर के बारे में, अगर आपकी कोई वीडियो नहीं भी चल रही तो आप कोई भी नॉर्मल वीडियो है, अगर वो किसी प्लेयर में नहीं चल रही, कोई मूवी नहीं चल रही, तो आप VLC प्लेयर में आई थिंक एक बार ही चला के देखिए, क्योंकि VLC प्लेयर में हर टाइप का कोड है और आपकी VLC वीडियो को चला सकता है। तो चलिए आपको आगे बताता हूँ। आप जैसे आपने इंस्टॉल कर लिया उसके बाद आप क्या कीजिए, हालांकि डेस्कटॉप पे आपका यहाँ पे शॉर्टकट बन जाएगा, तो और मैं ये भी कहूँगा कि आपको VLC प्लेयर का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप लेटेस्ट वर्जन करेंगे। तो उसके बाद आप अपनी लोकेशन में जाइए जहाँ पे आपकी 3D मूवी पड़ी है। हालांकि मेरे पास कोई 3D मूवी नहीं है, फिर भी मैं आपको सिंपल वीडियो में दिखाऊंगा। जैसे सपोज कर लो ये कोई भी मूवी है, जैसे मेरे पास ये आपको चला के दिखाता हूँ, मैं आपको कौन सी चला के, अनजाना अनजानी चला के दिखाता हूँ, बॉलीवुड मूवी। आप जब यहाँ पे ऐसे चलाओगे, ऐसे आपको अपनी 3D मूवी चलानी है, और उसके बाद क्या करना है, VLC प्लेयर में चलानी है, यहाँ पे टूल्स पे जाना है, टूल्स पे गए और उसके बाद जाना है इफेक्ट और फिल्टर्स, इफेक्ट्स और फिल्टर्स में गए और उसके बाद आपने क्लिक करना है वीडियो इफेक्ट। वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ एरो आएगा, यहाँ इसको आगे कीजिए, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा एडवांस्ड का, एडवांस्ड के बाद यहाँ पे आपने ऑप्शन करना है टिक किए 3D वाला, हालांकि मेरा पहले ही टिक है, और इसको क्लोज कर दीजिए। उसके बाद ये आपकी जो वीडियो है 3D में चलेगी, और अपने चश्मे पहनिए और इन्जॉय कीजिए 3D वीडियो। और लास्ट में ये कहूँगा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक दीजिए। थैंक यू।